स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अगला टॉपिक है हैज डायग्राम या पोसेट डायग्राम। हैज डायग्राम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हैज डायग्राम हम क्यों बनाते हैं? पार्शियली ऑर्डर रिलेशन को आगे फर्दर स्टडी करने के लिए ये जो सबसे ईजी फॉर्मेट आता है ट्रांसलेशन का, उसे हम हैज डायग्राम कहते हैं। अगर पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है, मतलब एग्जिस्ट करता है, तभी उसका हैज डायग्राम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और पार्शली ऑर्डर रिलेशन कैसे एग्जिस्ट करेगा आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसीमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो हैज डायग्राम को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक एग्जांपल लिया है हमने, जो कि एक पार्शली ऑर्डर रिलेशन है जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एंटीसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो इसका हम हैज डायग्राम कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, सीधे इनकी एज बाय एज मिला देना है, मतलब जो जिससे रिलेट कर रहा हो उसको उससे मिला देना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेंगे, सेट में कितने हैं, चार हैं, 1, 2, 3, 4। अब रिलेशन फॉलो करो, 1, 1, 1, 1 है मतलब सेल्फ लूप लगेगा, 1, 2 है मतलब 1 से 2 रिलेट कर रहा है, 1, 3 है मतलब 1 से 3 रिलेट कर रहा है, 1, 4 है मतलब 1 से 4 रिलेट कर रहा है, 2, 2 में सेल्फ लूप, 2, 3, 2, 4, 3, 3 में सेल्फ लूप, 3, 4 और 4, 4। ये एक रिजल्टेंट मिलेगा हमें। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। फर्दर सिंपलीफाई का मतलब, अब जैसे हमें पता है कि हैज डायग्राम तभी बनेगा जब हम पे पार्शियली ऑर्डर रिलेशन फॉलो कर रहा हो। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की वो क्या होती है, कंडीशन क्या होती है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो और वो एंटी सिमेट्रिक भी हो। तो हम क्या करेंगे, इसके एजेस रिमूव करेंगे। अब हमें पता है कि जो रिफ्लेक्सिव है उसमें सेल्फ लूप लगेगा, तो हम ये सेल्फ लूप हटाएंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे और इसे हटा देंगे। तो हम पे रिजल्टेंट जो मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा हमारे पास रिजल्टेंट सेल्फ लूप हटाने के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि हमने रिफ्लेक्सिव ही हटा दिया है, बस हमें पता है कि वो टर्म रिफ्लेक्सिव होगा अगर वो उसका पोसेट डायग्राम या हैज डायग्राम बन रहा है। तो हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे, रिफ्लेक्सिव हट चुका है, अब हम इसमें से ट्रांजिटिव भी हटाएंगे, ट्रांजिटिव वाले टर्म। अब ट्रांजिटिव वाले कैसे हटाएंगे, जैसे 1 से 2 रिलेट कर रहा है, 2 से 3 रिलेट कर रहा है, तो 1 से 3 भी रिलेट कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, 1 से लेके 3 वाली जो है वो हटा देंगे, 2 से 3 रिलेट कर रहा, 3 से 4 रिलेट कर रहा और 2 से 4 भी रिलेट कर रहा, तो हम ये वाली एज भी हटा देंगे, 1 से और हाँ बस ये दोनों एज हटा देंगे हम। एक और एज बचती है हमारे पास, 1 से 3 रिलेट कर रहा, 3 से 4 रिलेट कर रहा और 1 से 4 रिलेट कर रहा है, तो 1 से 4 वाली ये एज भी हटा देंगे। अब इन तीनों एज को हटाने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, वो तीनों एज हटाने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आएगा रिजल्टेंट। अब इसको फर्दर हमें डायरेक्शन भी हटानी है, डायरेक्शन हटाने के लिए हम इसको सीधे सिंपली 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख देंगे। इससे ये मतलब हुआ कि हमेशा रिलेशनशिप नीचे से ऊपर दिखाती है, मतलब 1 से 2 रिलेट है, 2 से 1 रिलेट नहीं है, 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है, 3 से 4 है, 3 से 4 है, तो 1 से 2 है, 2 से 3 है, तो 1 भी 3 से रिलेट है। ठीक है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, तो 2 भी 4 से है, 1 से 3 है, 3 से 4 है, तो 1 से 4 है, ऐसा करके। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हैज डायग्राम, कि जब भी आप पार्शियली ऑर्डर रिलेशन जो भी होता है
वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एसिमेट्रिक। ये तीनों चीज़ों पे अगर डिपेंड करेगा वो, तभी हम उस पार्शली ऑर्डर रिलेशन का हैश डायग्राम बनाएंगे। और वो हैश डायग्राम बनते 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 जब सबसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये रहा हैश डायग्राम। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, और समझ में आई होगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।